दोस्तों उस वक्त सारा तेंदुलकर भी हैरान हो गई जब सुमन गिल बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे और स्टेडियम में बैठे फैंस हमारी बाबी कैसी हो सारा बाबी जैसी हो जैसे नारे लगा रहे थे। लेकिन सारा तेंदुलकर को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और पास में बैठी फ्रेंड्स ने उसे समझाया कि वो आपके बारे में नारे लगा रहे हैं। उसके बाद सारा तेंदुलकर ने जो तमाशा खड़ा किया वो देखने लायक था। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश की जनता ने सुमन गिल और सारा तेंदुलकर को एक मान लिया है और दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। यदि सुमन गिल किसी और के साथ दिखते हैं तो सारा तेंदुलकर से ज़्यादा भारतीय जनता नाराज होने लगती है और उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करती रहती है। सुमन गिल के हर पोस्ट के नीचे सारा तेंदुलकर का ही नाम लिखा हुआ मिलेगा और आज के दिन का तो लोग सालों से इंतजार कर रहे थे क्योंकि सुमन गिल और सारा तेंदुलकर एक साथ मैदान में नजर आएंगे। आज का दिन सुमन गिल और सारा तेंदुलकर को साथ देखने वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, क्या आप भी सुमन गिल और सारा तेंदुलकर को एक साथ मैदान पर देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।